मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेजल फूड रेसिपी। आज हम बनाएंगे गुंदे की सब्जी। डियर फ्रेंड्स, गुंदे की सब्जी के बनाने के लिए हमने लिए हैं गुंदे जो राजस्थान में मिलते हैं, एक हमने ली है केरी, एक कटोरी हमने ली है दाना मेथी जिसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहे तो इसको बॉईल करके भी डाल सकते। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, जीरा, राई और हल्दी पाउडर और रिफाइंड। फ्रेंड्स, गुंदे दिखने में ऐसे होते हैं, इनको सब्जी बनाने के लिए हम एक एक करके तोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, गुंदों को हमने एक एक करके तोड़ लिया है, इनको अच्छे से हमने धो लिया है। इधर भगोने में हमने पानी को गर्म करने के लिए रखा है। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, इसमें हम गुंदे डालेंगे और हल्का उबाल आने तक इसको बॉईल करेंगे। जब तक गुंदे में उबाल आ रहा है, कैरी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। कैरी को हमने कद्दूकस कर लिया है और गुंदे में भी हमारा हल्का उबाल आ गया है। इसको हम फ्लेम बंद करके ऊपर से उतार लेंगे गैस से और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। डियर फ्रेंड्स, गुंदे उतारे हुए में थोड़ी देर हो गई है, इसको हम छान लेंगे। गुंदे हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, एक एक करके इनमें से हम गुठली निकाल लेंगे। से हमने गुठली को निकाल लिया है, इनमें चिकनापन होता है तो इनकी गुठली निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्लेम पे कढ़ाई को हमने गरम रख दिया है। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और गरम होने देंगे। डियर फ्रेंड्स, तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे, राई डालेंगे और जो हमने मेथी भिगोई थी वो डालेंगे। मेथी को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मेथी का कलर हल्का चेंज हो गया है, इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। इसमें हम गुंदे डालेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। डियर फ्रेंड्स, गुंदे डालने के बाद इसमें हम जो हमने कद्दूकस की थी वो कैरी डालेंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक हम पकने देंगे ताकि मसाले इसमें से अच्छे से मसाले सब्जी के अंदर ऑब्जर्व हो जाएं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसमें बीच बीच में हमने इसको चलाया है ताकि ये नीचे नहीं लगे। ये देखिए, हमारी गुंदे और कैरी की सब्जी बनके एकदम से तैयार है। इनको लेसुड़ा भी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका टेस्ट खाने में बहुत अच्छा होता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस सब्जी को आप 4 या 5 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये परांठे और रोटी के साथ, दोनों के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी? पसंद आए
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल के जाके कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।